दुनिया की 5 सबसे खतरनाक हॉरर फिल्म्स। IMDb की रेटिंग के हिसाब से द शाइनिंग हॉलीवुड की सबसे खतरनाक हॉरर फिल्म है। और दिलचस्प बात यह भी है कि यह फिल्म 1980 में रिलीज हुई थी, तब से लेकर अब तक इस फिल्म को लेकर डर के दीवानों की दीवानगी कम नहीं हुई है। IMDb पर इस फिल्म को 8.4 रेटिंग मिली है। कहानी एक परिवार की है जो एक सुनसान होटल में ठहरता है। सर्दियों की रात में एक तरफ चुभने वाली ठंड है और दूसरी तरफ ये सुनसान और मनहूस होटल, जहां एक के बाद एक अजीब घटनाएं घटती है। इस परिवार का बेटा है जो मानसिक रूप से बीमार है। उसे बीते हुए कल और आने वाले कल की अजीब घटनाएं दिखने लगती है। स्टैनली क्यूब्रिक के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में जैक निकोलसन, शेली डुवेल, डेनी लॉयड और स्कैटमैन क्रॉथर प्रमुख भूमिकाओं में है। दूसरे नंबर पर है द एग्जोसिस्ट। जिन लोगों ने भी द एग्जोसिस्ट देखी है वो मानेंगे कि यह एक अलग ही लेवल की डरावनी फिल्म है। यह 1973 में रिलीज यह फिल्म के डायरेक्टर विलियम फ्रेडकिन है। कहानी के केंद्र में एक जवान लड़की है जिस पर भूत का साया है। इस फिल्म को ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का नॉमिनेशन भी मिला था। लड़की की माँ अपनी बेटी को काले साये से दूर ले जाने के लिए दो पादरी का सहारा लेती है, लेकिन हालात समय के साथ बद से बदतर होते जाते हैं। इस फिल्म को लेकर उस दौर में खूब विवाद भी हुआ था। द एग्जोसिस्ट में एलन बर्स्टीन, मैक्स वॉन सिडो, लिंडा ब्लेयर और लीजे कोबो लीड रोल्स में हैं। IMDb पर इस फिल्म को हॉरर जोनर में 8.1 रेटिंग मिली है। फिर तीसरे नंबर लिस्ट में तीसरे सबसे डरावनी फिल्म के तौर पर 2001 में रिलीज फिल्म द अदर्स का नाम है। इस फिल्म के डायरेक्टर एलेजांद्रो अमेनाबार है। फिल्म की स्टारकास्ट भी तगड़ी है। इसमें निकोल किडमैन, क्रिस्टोफर एक्लेस्टन, फियोनुला फ्लैनगन और अल्किना मनु लीड रोल में है। द अदर्स की कहानी एक माँ और उसके दो बच्चों की है। ये दोनों ही बच्चे फोटो सेंसिटिव है, यानी इन्हें रोशनी से दिक्कत है। यह माँ अपने बच्चों को लेकर एक बेहद पुराने और गुप्त अंधेरे घर में रहती है। अचानक कुछ ऐसी घटनाएं घटती है कि इन तीनों को यह भरोसा हो जाता है कि यह घर हॉन्टेड है, यानी कि भूतिया है। फिर चौथे नंबर पर है द कॉन्जरिंग। जेम्स वॉन के डायरेक्शन में बनी द कॉन्जरिंग फ्रेंचाइजी की यह पहली फिल्म है। फिल्म की कहानी कैरोलिन और रोजर पेरोन के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने परिवार के साथ फार्म हाउस में है। जल्द ही उनके साथ अजीब घटनाएं होती है, बुरे सपने आते हैं। कैरोलिन इन घटनाओं की जांच के लिए पैरानॉर्मल घटनाओं के इन्वेस्टिगेटर एड पैट्रिक विल्सन और लॉरेन वॉरेन यानी वेरा फार्मिका को बुलाती है। वॉरेन का पता चलता है कि पेरोन का परिवार जहाँ कहाँ भी जाता है एक बुरी ताकत उसे निशाना बनाती है। इस हॉरर फिल्म को IMDb पर 7.5 रेटिंग मिली है, जबकि इसके लिए 5 लाख से अधिक यूजर्स ने वोट किया है। ऐसे में आप इस फिल्म की पॉपुलरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद है हमारी पांचवी मूवी, साल 2002 में रिलीज हुई द रिंग। द रिंग में नाओमी वॉट्स, मार्टिन हेंडरसन, डेविड डॉर्फमैन और ब्रायन कॉक्स लीड रोल में हैं। गोर वर्बिस्की के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म के अखबार का रिपोर्टर है राहिल केलर, जो एक ऐसी स्टोरी की परते तलाश रही है जिसमें एक वीडियो टेप है। खास बात यह है कि इस वीडियो टेप को जो भी देखता है ठीक 7 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। जिज्ञासा में राहुल भी उस वीडियो टेप को देख लेती हैं। अब वह पता लगा रही हैं कि शापित टेप के पीछे का रहस्य क्या है। अगर आप डरना चाहते हैं तो द रिंग आपके लिए परफेक्ट वॉच है। इस फिल्म को IMDb पर 7.1 की रेटिंग मिली है। अगर आपको भी हॉरर मूवी पसंद है तो ये 5 फिल्मों से कोई भी फिल्म आप देख सकते हैं।